हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। न्यू ब्रांड व्लॉग के साथ सबका एक न्यू ईयर के साथ आप सबका 2024 में मेरे व्लॉग के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। व्लॉग 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 व्लॉग। सो गाइस, 3:30 हो गए, मैं अभी सो के उठी हूँ और फ्रेश भी होगी और रेडी भी होगी। आज है 1 जनवरी, न्यू ईयर का फर्स्ट डे, तो सोचा आज ब्लॉग बना लूँ, क्यों ना बनाऊँ। तो बहुत थक गए थे रात को, वो ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोग अगेन हैप्पी न्यू ईयर, सब खुश रहें, आबाद रहें, यूँ ही मेरे ब्लॉग देखते रहें, यूँ ही मैं आप सबको अपने ब्लॉग शेयर करती रहूँ। तो मेरी मम्मी कह रही थी, अभी सो के उठी है, देखिए कंबल पड़ा और ये मानो बीच में सो रही है। ओके, आज मैंने पहनी है मैक्सी फुल रेड कलर की। तो मैं कहती कल क्यों नहीं पहनी है आपने हसीना, तो मैं आप लोगों को सामने मिरर में दिखाती हूँ। ये रही मेरी मम्मी, तो आज ऐसे ही घूम रही है, ना रेडी हुई है ना कुछ हुई है। दिखाती हूँ मैं अपनी मम्मी आप लोगों को। रात को मेरी अम्मी सोए 3:30 बजे, तो रात को लेट हो गया था, तो सोए ही 3:30-4 बजे थे। न्यू ईयर का पहला दिन कैसा गुजर रहा है आपका? अभी काम से हम किया फारिग हुए, आज कुछ नहीं, बस घर पे। वैसे आज का हमने प्लान बनाया था फिर घूमने जाने का, बट हमने कहा कुछ दिन बाद चलेंगे, आज रेस्ट लेते हैं। आप लोग पता, अम्मी नहीं जाती मेरे साथ, कभी कभी जाती है। कल तो न्यू ईयर था इसलिए, क्योंकि रात का प्लान था और रात कुछ ज़्यादा ही रात हो गई, और आज हमको मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सबको, बोलो हेलो गाइस, करो मुंह से। हेलो गाइस, क्या होता है, क्या खाया, बोलो हेलो एवरीवन, करो। नहीं कर रहे, सही, बोलो हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबको नया साल मुबारक हो। और हम नहीं बोल रहा गाइस, आज मैं बनी हुई हूँ रेड पड़ी, पता नहीं यहाँ से देखेगा नहीं, ये देखे शीश ऐसे, इंशाल्लाह शीशा फुल लेकर आऊंगी, फिर आप लोगों को रोज अपनी फुल लुक दिखाया करूंगी। वो आप ही एक पूरा कमरा पितली से भर दो ना, पूरा कमरा। अबे पतली किसको कह रहा है, इन तितलियों को, पितली पितली। अरे चलो भैया ब्लाइंड ऑन करते हैं। तो गाइस मेरे सो गई थी, मैं इतना लंबा नहीं सोई थी, खैर मैंने अपनी चीज रखी वो खा रही हूँ और मैंने छुपाई थी, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो सोचा कहीं नहीं गया, आज घर पे ही थे, फर्स्ट डे में कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या शेयर करती आप लोगों से। तो चैनल जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है बिस्माहान ऑफिशियल को, तो सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से मेरे को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं कुछ लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार, सपोर्ट करें। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, 2 साल अगस्त को 2 साल इंशाल्लाह हो जाएंगे, उम्मीद है मेरे 10K अगस्त तक हो जाए इंशाल्लाह। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, जो आपने हमारा एक ब्लॉग देखा था जिसमें मैं फ्राई पान लेकर आई थी, तो मुझे भूख लग रही दाल पर ही, तो मैं आज अंडा बनाती हूँ। वैसे मैं फ्राई पान अपने ही लेकर आई थी कि मैं उसमें अपने लिए अंडा बनाऊँगी, जैसे मैं फ्राई पान में अपने लाई थी कि मैं अंडा बनाऊँगी, तो मैं आज अंडा बनाते हुए दिखाऊँगी उसमें। अम्मी बिजी है, आंटी का बोला है वगैरह, इसमें ये रहा, वैसे अम्मी ने ये यूज़ कर लिया, खैर अब मैं बनाती हूँ, पहले सारी चीज़ें निकालती हूँ फिर बनाते हैं। अल्लाह मैंने अंडा अंडा मशीन पे रख दिया और हमके कपड़ों के ऊपर छुपा के रख दिया। गाइज मेरी मानो ने अंडा लिया, हमने सिलेंडर ऑन कर दिया, शुक्र है मैं कच्चा अंडा इसमें नहीं रखता। अब फ्राई पैन रखते हैं इसके ऊपर और इसके अंदर डालते हैं ऑयल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जैसे आप लोग अंडा बनाना सिखा रही हूँ, जब से गैस ली ना नीचे बैठ के बनाना पड़ता है, मैं कौन सा रोज बनाती हूँ। गाइस इतने बर्तन है, अल्लाह ये गिरने वाला है, तो इसमें से मैंने इतनी बड़ी प्लेट अंडे के लिए निकाली है, मैंने कौन सा अंडे की दही बना ली है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बर्तन में कुछ बना रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेल ज़्यादा हो गया, ये गर्म नहीं हो रहा,
फिर तवा थोड़ी है, क्या करें। पता तब वही गरम हो गया था ना, जब प्लेट में डालते हैं तब देखा। कोल्ड ड्रिंक निकालते, अपनी कोल्ड ड्रिंक निकाल ली फ्रिज से। यार मैं कौन सी शेफ हूँ इतनी बड़ी प्लेट में इतना संडा। कोई बात नहीं, खाते हैं चुपचाप और व्लॉग अपलोडिंग पे लगा हुआ मेरे। वो व्लॉग एंड करके दूसरा व्लॉग शुरू किया। आज आ रही है आमना मेरे घर, बादशाह मतलब कि कुबरा खतीजा मतलब कि कुबरा गई हुई है, वो बाहर गई है, बाहर के दुबई वगैरह आई थिंक गई हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ से घर छोड़ दिया था, हमारे बिल्डिंग में रहते थे जैसे कि काफी कुछ लोगों को पता है और काफी लोगों को नहीं पता। तो आमना आ रही है तो बोलते हैं। A few minutes later, guys, finally आमना आ गई है। हेलो आमना, कैसी हो? कहाँ गायब हो? हाँ सब कहते हैं मेरी ना ये टिकटॉक पे आती है ना मेरे सब व्लॉग में आती है। क्यों यार? गर्ल चेंज कर थोड़ी मसरूफ़ थी इसलिए। सब समझते कि हम नाराज हैं, हमारी लड़ाई हो रही है, हमारा कुछ नहीं, भी नहीं हुआ है। हालांकि हमारे से दो तीन गलियां ये आगे रहती है और कुछ नहीं और वो का है बादशाह कुबरा बाहर गई हुई। तो आ जाए हम मनाते हैं टिकटॉक, टिकटॉक पे मिलेगी टिकटॉक। हाँ मैसेज किया था ये पोर्टलैंड गई थी, मैसेज किया था। हम पीपल्स स्क्वायर चले गए क्योंकि हमें पता था पोर्टलैंड में होगी रश थी। जिस दिन हम पता क्यों नहीं गई, मेरा इरादा पोर्टलैंड का था, हम उधर क्यों नहीं गए क्योंकि जिस दिन कल्चर डे में मैं गई थी ना उस दिन में यही आदमी सारे चढ़े हुए थे, औरतें पीछे दबी हुई थी। मुझे इतने आप पठान सारे हम लोग वहाँ गए हुए थे ना, आफरीदी गए हुए सारे पठान खड़े हुए पिक्चर पिक्चर ना, अलाउ नहीं है हमारे घर में भाई। फिर उसके बाद ना आप बोल रहे हमारे से पिक्चर लो, हमारे से पिक्चर लो, आफरीदी वाले ने फिर गेट बंद कर दिया था ना बाहर का। आमना लेकर आई मेरे लिए चीज, लेस और कोल्ड ड्रिंक। मुझे किसी ने कहा कि ना मतलब आमना ने कुछ खाया ही नहीं, क्यों नहीं कुछ खाया? हाँ हम लोग क्या डेढ़ ढाई लाख खाया गई बोतल। गाइस ये देखे प्रोग्राम बढ़ गया। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। कैट फूड वाला दिन याद है? हाँ याद, जब भी कैट फूड लेने जाते ना आमना याद आती। मैंने व्लॉग देखा था, मैंने कहा मैं तुझे याद कर रही हूँ। और वो लास्ट टाइम एक और व्लॉग थे जो फ्रेंड्स को याद कर रही हूँ पुराना, वो भी था। हाँ कुछ था इतना, मैं जिस तरह तुम उतर रहे होते थे ना मैं खड़ी होती थी दरवाजे पे। अभी तो ये लोग शिफ्ट हो गए। आज का क्या थंबनेल होगा? आमना और बादशाह घर छोड़ के चली नहीं, बादशाह और आमना ने घर घर खाली कर दिया यहाँ से। वैसे भी बैठी है थोड़ी देर, अब जाने लगी है। काका क्या कर रहा है? अम्मी काका क्या कर रहा है? काका पोटी कर पोटी आई जा रही है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बस इतना सा हमारा छोटा सा मीटअप था, इंशाल्लाह आएगी बादशाह भी फिर मुझसे मिलने के लिए, उसके घर जाएंगे। बताना मुझे, मैं आऊंगी। ओके हम काफी टाइम बाद मिले, हमारे जो वीडियोस देखी 1K तक गए। कौन? हमारे व्लॉग जो थे। हाँ 1K तक गए, दोनों गए। वो मतलब के जो मेरे वहाँ पे आ रहे ना काफी लोग जानते हैं कि भाई ये टिकटॉक से वो उधर गए क्योंकि मैंने लगाई थी स्टोरी, लगाई थी
तो उसने अच्छे कमेंट भी किया, आप कब बनाएंगे साथ, कब बनाएंगे, कोई अच्छा वो करेंगे ना, आप लोग बताया करेंगे कैसा व्लॉग बनाएं, कमेंट बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो चैलेंज कौन सा बनाएं, बताना जो आप लोग बोलोगे मैं बनाऊंगी इसके साथ। आप लोग बोलोगे कुछ और ना बोलो। हाँ ठीक है, अभी हम कहीं जाएंगे वो फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी व्लॉग एंड कर दो भाई, व्लॉग एंड करो, इतना सा छोटा सा व्लॉग बनाया, हेलो करो, बाय बाय करो, बाय हेलो करो, बाय करो, बोलो लाइक करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ना, शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं न्यू ब्रांड व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, हाफिज गाइज। आज अरहम का गिफ्ट आया है, अरहम क्या गिफ्ट आया है ये दिखाओ, और बोतल बेक करने से दिखाओ क्या है ये, क्या है, बोतल पानी की बोतल, मोटू पतलू और अरहम का फेवरेट कार्टून, अरहम क्या नाम है इनका, मोटू पतलू, मोटू पतलू। और ये टिफिन आया ड्रीम ब्लास्ट वाला, ये देखो इसके अंदर, कल अपने शूज तो दिखाओ, यार हमको चम्मच भी, हाँ एप्पल और एप्पल।